हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। डाइवर्सिटी वाले यूनिट में ही हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं एंड दिस चैप्टर्स नेम इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो, व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार इज द लिविंग वर्ल्ड। इस अर्थ के ऊपर कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके पूरे वर्ल्ड के बारे में हमने पढ़ लिया है, उसके सिस्टमैटिक कैटेगरीज के, डिफरेंसेस के, बेसिस के सब कुछ हमने पढ़ लिया है। दैट हाउ वी डिफाइन देम, हाउ वी क्लासिफाई देम, हाउ वी कैटेगराइज देम, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। अब हम उन्हीं कैटेगरीज में हम किंगडम्स से शुरू करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लेट अस स्टार्ट। सी, सबसे पहले जो नाम आता है दैट इज ऑफ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने क्या किया था, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की तरफ फर्स्ट स्टेप जिसने उठाया था दैट वॉज एरिस्टोटल। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप जिसने उठाया है ना, दैट इज अ वेरी बिग इवोल्यूशन। ये बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन है किसी भी सब्जेक्ट में। कुछ भी चीज को लेके अगर हम फर्स्ट स्टेप उठा रहे हैं, वी आर रियली टर्निंग अप द थिंग्स इनटू समथिंग दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन वेरी ब्यूटिफुल थिंग्स, ठीक है। सो ऐसा सबसे फर्स्ट स्टेप किसने उठाया था, एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने ऑब्वियसली, देखो अब इमेजिन करना शुरू करो कि फर्स्ट स्टेप ऑफ एजुकेशन, जिस बंदे ने एजुकेशन सबसे पहले की होगी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द फैमिली में, नेक्स्ट आ गया मोहल्ले में, उसे नेक्स्ट आ गया गांव में, उसे नेक्स्ट आ गया शहर में, उसे नेक्स्ट आ गया इन द होल डिस्ट्रिक्ट, उसे नेक्स्ट आ गया स्टेट, उसे नेक्स्ट आ गया इंडिया, ठीक है, पूरी कंट्री मतलब, उसे नेक्स्ट आ गया पूरा कॉन्टिनेंट एंड देन द होल वर्ल्ड। जस्ट इमेजिन अबाउट द होल वर्ल्ड। जिस बंदे ने वर्ल्ड में फर्स्ट एजुकेशन की होगी, ली होगी, द फर्स्ट मैन टू बी एजुकेटेड, है ना, उसकी एक स्टेप ही काफी है टू यू नो टू मोटिवेट अदर्स, ठीक है। वो स्टेप तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, बहुत ही ज्यादा कम होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज यू नो फर्स्ट स्टेप तो रेवोल्यूशन लाता है, होता बहुत ही ज्यादा लो स्केल पे है। वैसे एरिस्टोटल ने लाइफ को डिवाइड करना शुरू किया। ही क्लासिफाइड, ही टुक, देखो इसको हम लेते हैं। अब उसने क्या किया, उसने एनिमल्स लिए, एनिमल्स को डिवाइड किया रेड ब्लड एंड नो रेड ब्लड के बेसिस पे। रेड ब्लड वाले कौन कौन से हैं, फिशेस से लेके मैमल्स तक, सबका रेड ब्लड होता है, तो उनको एक कैटेगरी में रख दिया। नो रेड ब्लड के ऊपर इन्होंने हार्ड बॉडी एंड सॉफ्ट बॉडी को लिया। हार्ड बॉडी में इंसेक्ट्स आ गए, सॉफ्ट बॉडी में शेल्स या नो शेल्स, शेल फिशेस होती हैं जिसमें शेल्स होते हैं, जेली फिशेस होते हैं, इसमें कोई भी शेल्स नहीं होते, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप था। प्लांट्स, इसने किंगडम कौन कौन से लिए, द टू किंगडम्स वर प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स को इसने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ हाइट या मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेस पे, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, ठीक है। एंड एनिमल्स को इसने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड और नो रेड ब्लड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ लीनियस ने एंड एरिस्टोटल ने, आफ्टर सम टाइम लीनियस ने 1758 में, सी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की ये पिक्चर है, ये इमेज है, ही इज लीनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड दिस इज एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी, जिसकी हमारे पास कोई भी रियल इमेज नहीं है। इट इज जस्ट अ, यू कैन सी एज इट इज जस्ट अ स्टोन स्टैचू। नाउ लीनियस ने भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, उसने ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया में डिवाइड किया, किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया। बट अनलाइक एरिस्टोटल, इसने थोड़े से और भी कैरेक्टर्स लिए, ठीक है, मतलब
अरिस्टोटल के ने क्लासिफिकेशन के लिए थोड़े कम कैरेक्टर्स लिए थे। देखो मैंने वही बात की है, पढ़ाई सबसे पहले जिस बंदे ने पढ़ाई करनी शुरू की उसने पढ़ाई बहुत कम की होगी, लेकिन ही इज अ ग्रेट आइडियल फॉर मेनी मेनी पीपल टू मोटिवेटेड, टू गेट मोटिवेटेड। वैसे लिनियस ने उसके रिसर्च पे काम करना शुरू किया, ठीक है। लिनियस तो आपको पता ही है, उसने टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में काम किया है, टेक्सोनॉमी का फादर है वो, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर उसने फाइंड आउट किया, तो उसने क्लासिफिकेशन को भी फाइंड आउट किया। बट उसने इन कंपैरिजन टू एरिस्टोटल उसने कुछ ज्यादा कैरेक्टर्स लिया और फिर क्लासिफाई किया प्लांट एंड एनिमल किंगडम को। किंगडम का नाम है प्लांटे एंड एनिमेलिया, बेसिकली प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम ही है, बट द प्रॉपर नेम इज एनिमेलिया एंड प्लांटे। अब देखो ड्रॉबैक्स। ओके, सबसे पहले ड्रॉबैक से पहले लेट मी टेल यू समथिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, यू पीपल टू नो। एरिस्टोटल और लीनियस का नाम तो आपने पढ़ लिया, सुन लिया। नेक्स्ट नेम इज ऑफ अर्नस्ट हेकल। देन इज द नेम ऑफ कोपलैंड, एंड देन कम्स विटेकर। अर्नस्ट हेकल ने क्या दिया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, कोपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, एंड विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ही गेव द टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ही गेव द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ही गेव द फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। अर्नस्ट हेकेल ने विद प्लांटे एंड एनिमिलिया उसने जो थर्ड बनाया था किंगडम उसका नाम रखा मोनेरा। मोनेरा में उसने सारे बैक्टीरिया को इंक्लूड किया। जो कोपलैंड ने बनाया उसमें एक और न्यू किंगडम आ गया, दैट इज द प्रोटिस्टा। एंड एट लास्ट विटेकर ने एक और किंगडम ऐड कर दिया, इसका नाम है फंजाई, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं ड्रॉबैक्स के बारे में। हम पढ़ते हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों इतना सही नहीं रहा, या फिर थ्री फोर एंड फर्दर फाइव किंगडम सिस्टम्स क्यों आए, ठीक है। लेट अस सी। सी, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स वर इंक्लूडेड अंडर प्लांट्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। पर प्रोकैरियोट्स में क्या आ जाते हैं, सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं। बैक्टीरिया को प्लांट्स के अंदर लेना सही था, नहीं बिल्कुल भी सही नहीं था। सेकंड पॉइंट इज इट इंक्लूडेड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन द सेम ग्रुप, एग्जांपल क्लैमिडोमोनस एंड स्पायरोगैरा वर प्लेस्ड अंडर एल्गे, द ग्रुप एल्गा। It did not differentiate between heterotrophic fungi and autotrophic green plants. ठीक है, first of all तो इसने बिल्कुल भी bacteria पे ध्यान नहीं दिया। Second, इसने unicellular and multicellular, मतलब unicellular भी plants होते हैं, unicellular animals भी होते हैं, उनको भी same category में डाल दिया, ठीक है। And इन्होंने fungi के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की, ठीक है, क्योंकि fungi के characteristics बहुत ज्यादा different है। Okay. Now, Whittaker के किंगडम के बारे में बात करते हैं थोड़ा। इट इज प्रपोज्ड बाय आर एच विटेकर, ठीक है। इसके जो किंगडम्स के नाम थे वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाए, प्लांटे एंड एनिमिलिया। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, ठीक है। इसका मतलब क्या बनता है, एक एक करके हम इसको देखते हैं। सेल स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखता है सेल का स्ट्रक्चर क्या, यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस का मतलब मल्टी सेलर है या यूनिसेलर है, थैलस, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ थैलस का ना डिटेल्ड में क्या मतलब होता है ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चल जाएगा। अब के लिए इतना ही बहुत है। अब आप जान लो कि थैलस का जो थैलस बेसिकली रिलेट्स टू द बॉडी शेप, ठीक है। रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब
न्यूट्रिशन की तो दो ही टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में भी कौन सा टाइप है, पैरासिटिक है, सैप्रोफिटिक है या फिर होलोजोइक है, ठीक है, इसके बेस पे। देन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसी हो रही है, सेक्शुअल हो रही है, सेक्शुअल हो रही है, ऐसी रिप्रोडक्शन ही होगी, और भी कोई टाइप होती है रिप्रोडक्शन नहीं होती। देन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स का मतलब है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ओके। विटेकर के अकॉर्डिंग पांच किंगडम आए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमल। क्यों आए, क्योंकि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक्स थे ये आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। These were the drawbacks. First of all, the bacteria को include नहीं किया। Second, unicellular plants and animals दोनों को same category में रख दिया। And third, fungi को कोई भी category में include नहीं किया गया। Okay? Now, अब हम characteristics of five kingdom classification को detail में पढ़ते हैं। This is very important to be done in detail. फर्स्ट ऑफ ऑल है सेल टाइप, नेक्स्ट इज सेल वॉल, नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पांच तरीके लिए गए हैं बेसिकली। सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? ऑब्वियसली जो प्रोकैरियोटिक है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, ठीक है, एंड उसकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कुछ ज्यादा एडवांस्ड नहीं होगी। प्रोकैरियोटिक वाला सिर्फ एक ही किंगडम है, दैट इज मोनेरा, ठीक है, मोनेरा, ओनली द मोनेरा इज हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंजाय यूकैरियोटिक, प्लांटे यूकैरियोटिक, एनिमेलिया यूकैरियोटिक। सेल वॉल, सेल वॉल इज ओनली एब्सेंट इन एनिमेलिया, टोटली एब्सेंट इन एनिमेलिया। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, ठीक है, ओके। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बताया सिर्फ प्रोकैरियोट्स में नहीं होगी, बाकी सब में होगी। तीन पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। सेल टाइप प्रोकैरियोट सिर्फ मोनेरा में है, सेल वॉल है जो सिर्फ टोटली एनिमल्स में एब्सेंट है, और प्रोटिस्टा में सब में प्रेजेंट है, सब में नहीं प्रेजेंट, बिकॉज प्रोटिस्टा की प्रॉपर डेफिनेशन आपको मैं बताऊंगी। देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर है, टिश्यू है, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, तो ये तो ऐसे ही चलता है, आपको ये सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाए, प्लांटे, एनिमेलिया, ओके। तो मोनेरा से एनिमेलिया की तरफ जाते हुए हम देखते हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों, क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं अगर ये, मल्टीसेलुलर भी होते हैं तो ये कॉलोनीज फॉर्म करते हैं, ठीक है, कोई बेसिक इनका कोई टिश्यू नहीं होता, बैक्टीरियाज में कोई टिश्यू नहीं होता, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट इज फंजाई, फंजाई आपने देखी है, मल्टीसेलुलर होती है अगर तो लूज टिश्यू होती है, नहीं तो यूनिसेलुलर भी हो सकती है जैसे कि यीस्ट, बट बेसिकली दे आर मल्टीसेलुलर ओनली। Now, plants में टिश्यू होते हैं, सबके ऑर्गन भी होते हैं, ठीक है, टिश्यू एंड ऑर्गन। इसमें क्या है, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, तीनों मोड प्रेजेंट होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में ऑर्गन सिस्टम्स हैं। सम आप पढ़ोगे एनिमल किंगडम डिटेल में तो आपको पता चल जाएगा कि शुरू के फाइलम्स में ओनली टिश्यूज प्रेजेंट है, उसके बाद ऑर्गन डिवेलप होने शुरू है एंड ऑर्गन सिस्टम एट द लास्ट। Now, mode of nutrition, monera में autotrophic हो सकता है, heterotrophic हो सकता है, heterotrophic में saprophytic भी हो सकता है और parasitic भी हो सकता है। Eukaryotic है जो, protista है जो, उसमें autotrophic, heterotrophic both present है। Mode of nutrition के base पे हम सिर्फ और सिर्फ plants को photosynthetic के base पे and fungi को saprophytic के base पे, जो टोटली सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक है दे आर फंजाई, एंड टोटली फोटोसिंथेटिक दे आर प्लांट्स, एंड होलोजोइक है जो होलोजोइक और सैप्रोफिटिक है ना, ये सारे क्या है, ये एनिमल्स, एनिमल्स में भी पैरासिटिक होते हैं, ये आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा इन डिटेल, तो फिर भी हम एक बार इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं।
अब आप कैसे बताओगे एन ऑर्गेनिज्म, कल हमने किया था की वाला पार्ट, ठीक है, की एन ऑर्गेनिज्म इज फंजाई और प्रोटिस्टा, ये आपको कैसे पता चलेगा? प्रोटिस्टा, ठीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा? हमने कौन से कैरेक्टर्स लिए हैं? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल वॉल. देखो सेल वॉल किस में प्रेजेंट है? दोनों में, क्योंकि हमने देखा था प्रोटिस्टा में सम में सेल वॉल प्रेजेंट है, सम में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट, दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट है, इसके बेस पे हम नहीं डिफाइन कर सकते. प्रोटिस्टा में ओनली सेलुलर, प्रोटिस्टा में दे आर यूनिसेलुलर, फंजाई में भी मल्टी सेलुलर, फंजाई मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू, ठीक है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है फंजाई, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, लूज टिश्यू वाला भी हो सकता है, ठीक है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे हम पक्का पक्का इसको कर देंगे. प्रोटिस्टा में पैरासिटिक, हेटरोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, ठीक है, बट नॉट सेप्रोट्रॉफिक. फंजाई आर टोटली सेप्रोट्रॉफिक, ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक है फंजाई. न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दोनों में यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है. ये कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के सेम है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के सेम है. डिफरेंस इज इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में भी वी कैन से दैट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, देयर इज नो स्लाइट डिफरेंस, ठीक है. अब सेल वॉल का जो चीज है, सेल वॉल के बेस पे हम इसको पक्का डिफाइन कर सकते हैं, वो कैसे? काइटिनियस सेल वॉल. मेरे पास अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और मैंने देखना है कि ये प्रोटिस्टा है या फंजाई है, दोनों यूनिसेलुलर है मेरे पास, ठीक है. अगर सेल वॉल है जो वो काइटिन की बनी है, तो दैट इज फंजाई. अगर सेल वॉल काइटिन की नहीं बनी है और ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है और ऑर्गेनिज्म इज हैविंग यूकैरियोटिक सेल, तो दैट इज ऑफ कोर्स प्रोटिस्ट, ठीक है. सेल वॉल के बेस पे हम इसको टोटली पूरे अच्छे से डिफाइन डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं वूज के बारे में. वूज वाज अ काइंड, वाज अ साइंटिस्ट, ठीक है. इसने क्या दिया था? इसने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है. अब आप बोलोगे कि हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है, फोर है, फाइव है, इसमें से मोस्ट एक्सेप्टेबल कौन है? मोस्ट एक्सेप्टेबल इज द फाइव किंगडम सिस्टम दैट वाज प्रपोज्ड बाय विटेकर. इसने क्या किया था? हमारे पास कौन कौन से किंगडम है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमल. इसने क्या किया? इसने मोनेरा को डिवाइड कर दिया आर के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में. यू बैक्टीरिया आर द प्रेजेंट डे बैक्टीरिया एंड आर के बैक्टीरिया आर द ओल्डेस्ट फाउंड बैक्टीरिया. आर के बैक्टीरिया नॉर्मल कंडीशन में मिलते भी नहीं है, ठीक है. आर के बैक्टीरिया में हम मोनेरा किंगडम में डिटेल में पढ़ेंगे. तो दैट वॉज अबाउट द वूज. अब आ गए हमारे पास एक और टर्म, That is artificial system of classification and natural system of classification. इसके बारे में आपको बताती हूँ अभी. See, we have the first thing as artificial system of classification. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने किया था? एरिस्टोटल और लीनियस. दे हैड डन आर्टिफिशियल कोपलैंड
कोपलैंड ने कौन सा सिस्टम दिया था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, एंड अर्नस्ट हेकेल जिसने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. वी शुड राइट इट एज इन्होंने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था इसको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं बिकॉज दे डिड नॉट यूज एनी डिटेल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्लासिफिकेशन. ठीक है, दे यूज्ड ओनली द सुपरफिशियल कैरेक्टर्स. ओके, इसलिए इनके जो डिविजन सिस्टम को है क्लासिफिकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोला जाता है. ऑन द अदर हैंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल फॉर क्लासिफिकेशन. तो विटेकर ने, मतलब विटेकर ने क्या किया था, विटेकर्स सिस्टम इज अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. विटेकर ने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिया, either it is mode of nutrition, either it is cellular structure, either it is cellular organization, body organization, nuclear membrane and everything else, cell wall bhi liya tha usne, taki jo hai hum wo acche se samajh sake classification ko ki how one organism that is placed in one kingdom is different from the other organism that is placed in the another kingdom. theek hai, तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम आपको आई थिंक समझ आ गए होंगे. ओके, नाउ हम थोड़े से और क्वेश्चंस करते हैं सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन डिटेल. सी हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन bacteria and protista. जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में आ गया, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो यू जस्ट थिंक ऑफ विटेकर्स क्लासिफिकेशन सिस्टम. उसने कौन कौन सी चीजें ली थी, सेलुलर कम्प्लेक्सिटी, सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, न्यूक्लियर वॉल प्रेजेंट और नॉट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. And presence or absence of cell wall. देखो, अब हमें पता है कि बैक्टीरिया में सेल प्रेजेंट है, ठीक है, प्रोटिस्टा में भी सेल प्रेजेंट है, बोथ मे बी यूनिसेलुलर, ठीक है. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो चीज है दैट इज, न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया बट इट इज प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा. न्यूक्लियस से ही हम क्लैरिफाई कर पाएंगे कि ये क्या चीज है. नेक्स्ट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दोनों की यूनिसेलर है या मल्टीसेलर लूज टिश्यू, ठीक है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, तो ये भी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है. बट सेल वॉल, सेल वॉल भी दोनों में होती है. बैक्टीरियाज में जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकैन. यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग, ये मैं लिख देती हूँ, सेल वॉल इन bacterias is made up of peptidoglycan. Peptidoglycan, cell wall of fungi is made up of chitin, and cell wall of other, basically majorly the plants hi rahegi, kyunki uske baad is made up of
सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज की वजह। ओके अंडरस्टूड, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम, टू मेक इट ऑल क्लियर। How to differentiate between plant or animal? Answer is very clear and that is cell wall. Cell wall animals में absent है, plants में present है. The answer is cell wall. Animals को किसी से भी compare करना है. अगर मैं ये चीज करूं, how to differentiate between protista or animal? Answer is cell wall is absent in animals, but जरूरी नहीं है cell wall protista में भी absent हो सकती है. Cell wall absence and multicellularity. Animals are always multicellular, ये चीज हमने पढ़ी है, ठीक है. This is done. Now, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपको, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन फंजाई एंड एनिमल, अगेन द आंसर इज सेल वॉल. हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन बैक्टीरिया एंड एनिमल, द आंसर इज अगेन सेल वॉल. ऑन द अदर हैंड यूकैरियोटिक होते हैं एनिमल्स के, यूकैरियोटिक सेल एंड मल्टीसेलुलैरिटी. मल्टीसेलुलैरिटी इज प्रेजेंट इन एनिमल्स, ठीक है. अब मैं क्वेश्चन पूछूं, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन बैक्टीरिया और प्लांट्स, आंसर इज सेल वॉल टाइप, ठीक है. समटाइम्स यू डोंट नो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल वॉल टाइप, तो हम लिख सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन. बट जो बैक्टीरियाज होते हैं साइनो बैक्टीरियाज, दे आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक इन नेचर, सो वी कैन नॉट डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. बट द नेक्स्ट थिंग इज यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर, ठीक है. प्लांट्स होते हैं, उनकी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. प्लांट्स हैव यूकैरियोटिक सेल एंड मल्टीसेलुलर होते हैं प्लांट्स, ठीक है. दिस वॉज द आंसर. Now, how to differentiate between protista or plants? Then the answer is, plants are always multicellular. ठीक है, plants are always multicellular. This is the answer. Now, how to differentiate between fungi or plants? The answer is, mode of nutrition. Fungi जो होती है, that is saprotrophic. And plants are always photosynthetic. Now, let me ask you the question about bacteria and fungi. How to differentiate between fungi and bacteria? First of all, the mode of nutrition. Fungi hamesha saprotrophic in nature hote hain, but some of the bacteria can also be saprotrophic in nature. Next is cell wall. सेल वॉल टाइप में डिफरेंस होता है दोनों की. फंजाई की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड बैक्टीरिया की इज मेड अप ऑफ पेप्टोग्लाइकन. एंड द मोस्ट बेसिक इसको मैं कैपिटल में लिखती हूँ, दैट इज यूकैरियोटिज्म. यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द फंजाई. यूकैरियोटिक सेल मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर वॉल भी प्रेजेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई मे आस्क इज अबाउट फंजाई और प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई एंड एनिमल हो गया, एंड प्लांट हो गया. आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस आर डन एंड आपको ये सारा समझ भी आ गया होगा, बट फिर भी हम एक बार और इसको पढ़ लेते हैं इन सो दैट कोई भी डाउट है आपका दोबारा से क्लियर हो जाए.
किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं हम. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में सेल टाइप को लिया जाता है. मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सेल होता है, बाकी सब में यूकैरियोटिक सेल होता है. ओनली मोनेरा इज हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल. सेल वॉल, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल. ठीक है, प्रोटिस्टा एंड प्लांटे में सेल वॉल सेम काइंड की प्रेजेंट होती है. फंजाई में काइटिन की होती है एंड मोनेरा में पॉलीसेक्राइड पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है. एनिमल्स में टोटली एब्सेंट, सेल वॉल इज टोटली एब्सेंट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ओनली एब्सेंट इन मोनेरा, बाकी सब में प्रेजेंट होती है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर इन बोथ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, एंड फंजाई में क्या है, मल्टी सेलुलर बट लूज टिश्यू. ठीक है, एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑलवेज मल्टी सेलुलर. फंजाई भी मल्टी सेलुलर हो सकती है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है, बट मेनली इट इज अ सेप्रोट्रॉफिक. वेरी वेरी रेयर एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई आर यूनिसेलुलर, जो कि बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किए जाते इन द प्रोटिस्टा. मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक इन बोथ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा. ओनली हेटरोट्रॉफिक मींस सेप्रोफिटिक इन फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक इन प्लांटे एंड हेटरोट्रॉफिक इन एनिमेलिया. सो आज का हमारा इतना ही था. दैट वॉज बेसिक्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. आई होप आपको समझ आ गया हो. थैंक यू.